जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। हनी ट्रैप हुए इंडियन आर्मी सोल्जर ने शेयर की थी मिसाइल टेस्टिंग की वीडियोस। आर्मी के एविएशन कोर को मिली पहली विमेन कॉम्बैट एविएटर। जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन में भारत की फोर्सेस को मिली एक बड़ी सफलता। 1 से 3 जून तक अस्त्र मार्क 2 या फिर रुद्र मिसाइल के टेस्ट होने की संभावना। और एंटी माओवेस्ट ऑपरेशन को स्केल अप करने के लिए सीआरपीएफ ने ओपन किए 2 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी 21 मई को प्रदीप कुमार नाम के एक इंडियन आर्मी सोल्जर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो अब इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है कि प्रदीप कुमार, जिसे पाकिस्तानी एजेंट ने हनी ट्रैप किया था, तो प्रदीप कुमार के द्वारा उस पाकिस्तानी एजेंट को भारत के कुछ रॉकेट मिसाइल लॉन्च की वीडियोस और ऐसे ही अदर डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि प्रदीप कुमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव यूनिट में डिप्लॉयड था, जब इसे पाकिस्तानी विमेन एजेंट को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए पकड़ा गया था। और पूछताछ के दौरान प्रदीप कुमार की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि करीब 7 महीने पहले वे इस पाकिस्तानी विमेन के कॉन्टैक्ट में आए थे और हनी ट्रैप होने के बाद मिसाइल्स और रॉकेट्स की टेस्टिंग और वो भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ शेयर की गई है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि इसके द्वारा आर्मी प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेस की कई सारी लाइव वीडियोस उस पाकिस्तानी वुमेन एजेंट को शेयर की गई है। हालांकि इस पाकिस्तानी एजेंट ने फिर प्रदीप कुमार के माध्यम से ही करीब 5 से 6 सोल्जर्स को ट्रैप करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि इंडियन आर्मी के ट्रूप्स जो इस तरीके से दूसरे देश के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े जाते हैं, तो उनके साथ किस तरह की कार्रवाई होती है, तो आपको बता दें कि इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसके माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल मंगलवार को महाराष्ट्र की एटीएस ने पुणे से एक 28 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि ये अलग अलग राज्यों से प्रतिबंधित सुअरों के संगठन लश्कर के लिए आतंकियों को रिक्रूट करने की भूमिका निभा रहा था। और इस आरोपी की पहचान जुनेद मोहम्मद के तौर पर हुई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो व्यक्ति है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लश्कर के एक्टिव मेंबर्स के साथ टच में था। बे ऑफ बंगाल पर एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल लॉन्च के लिए भारत की तरफ से 1 से 3 जून तक के लिए एक और एरिया वार्निंग जारी की गई है और संभावना है कि इस दौरान अस्त्र मार्क 2 या फिर रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज बुधवार को अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद कैप्टन अभिलाषा बारक आर्मी एविएशन कोर को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर ज्वाइन करने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी है। और आज कैप्टन अभिलाषा के साथ टोटल 36 आर्मी पायलट्स को कोवेटेड विंग से सम्मानित किया गया है। और वैसे आपको बता दें कि अभी तक आर्मी की एविएशन कोर में विमेन ऑफिसर्स को केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर ग्राउंड ड्यूटी की जिम्मेदारी ही दी जाती थी, लेकिन अब से आर्मी की विमेन ऑफिसर्स पायलट की जिम्मेदारी भी संभालेगी। और आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जून में पहली बार तो विमेन ऑफिसर्स का सिलेक्शन हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिए किया गया था और इन दोनों को नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी गई थी। और आर्मी के मुताबिक करीब 15 विमेन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आर्मी एविएशन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। और अब आज इंडियन आर्मी को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर अपनी पहली विमेन ऑफिसर मिल चुकी है और निश्चित रूप से इंडियन आर्मी के एविएशन के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 3 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है जो कि पाकिस्तान से थे और इनके पास से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी रिकवर किए गए हैं। लेकिन इसके साथ एक दुखद खबर भी सामने आई है कि आज के इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जबकि कल मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपुरा से एक टेरर मॉड्यूल को भी बस्ट किया है और इस दौरान सुअरों के संगठन जैश के 8 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया है। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो एसोसिएट्स गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये जैश के 2 सक्रिय आतंकी, जिसमें से एक है आसिफ शेख और दूसरा है एजाज भट्ट, तो इन दोनों को शेल्टर, लॉजिस्टिक, आर्म्स, एम्यूनिशंस, ट्रांसपोर्टेशन ये सभी प्रोवाइड करा रहे थे और इनके पास से कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी रिकवर किए गए हैं। और बारामूला में आज जो ये 3 पाकिस्तानी सुअर मारे गए हैं, तो ये सुअरों के संगठन जैश से बिलोंग करते थे और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये इस एरिया में पिछले 3 से 4 महीने से एक्टिव थे और अभी तक इस साल 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। और वैसे आतंकियों से याद आया कि दिन रात जगे रहने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट आज एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट कौन सा था, तो इसके बारे में अलग अलग डिटेल्स देखने को मिली है। जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये F-7 था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि MiG-21 फाइटर्स की चाइनीज कॉपी है और जिसमें आपको कुछ भी ओरिजिनल देखने को नहीं मिलेगा। और जबकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें ये भी कहा जा रहा है कि आज जो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो पाकिस्तान का सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 है।
एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए सीआरपीएफ द्वारा भी हाल ही में छत्तीसगढ़ में दो नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस को ओपन किया गया है और सीआरपीएफ ऑफिशियल के मुताबिक इन बेसिस को 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हेलमागोंडा और पोटकपल्ली क्षेत्र में स्थापित किया गया था और ये बेस सीआरपीएफ ट्रूप्स को नक्सल्स द्वारा प्रभावित जंगलों वाले एरिया पर और भी डीपर ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में मदद करेंगे और ऑफिशियल्स के मुताबिक सीआरपीएफ का टारगेट है कि इस साल नक्सलाइट स्टेट्स पर करीब 25 इस तरह के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस को ओपन किया जाएगा और ये जो बेस हैं फोर्स की रीच को बढ़ाने में भी मदद करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एनआईए कोर्ट का कहना है कि यासीन मलिक द्वारा किए गए अपराध बेहद ही गंभीर हैं जिन्हें फॉरेन पावर्स और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की मदद के साथ कमिट किया गया है और ये यासीन मलिक स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोपी है। जीआरएसी इंडियन नेवी के लिए अपनी दूसरी सर्वे वेसल को लॉन्च करने के लिए तैयार है और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीआरएसी इंडियन नेवी के लिए टोटल 4 सर्वे वेसल्स को बनाएगी जिसमें से जो पहली वेसल है उसे पिछले साल 5 दिसंबर को ही लॉन्च किया गया था और जिसे इस साल अक्टूबर के महीने तक इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता और आर्मी के महारेजिमेंट के बीच तालमेल को बढ़ाने के लिए एक एफिलिएशन सेरेमनी को कंडक्ट किया गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि आज बुधवार को नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक या दो नहीं बल्कि 3 मिसाइल्स फायर की गई थी और इन 3 मिसाइल में से एक मिसाइल को लेकर इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की अभी तक की सबसे लार्जेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी और इसके रिस्पॉन्स में US और साउथ कोरिया के बीच एक कम्बाइंड लाइव फायर ड्रिल्स को कंडक्ट किया गया था जिसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की टेस्टिंग भी इन्वॉल्व थी। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में जो US प्रेसिडेंट की तरफ से ताइवान को लेकर एक बयान दिया गया था जिसमें उनका कहना था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो US ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य रूप से हस्तक्षेप करेगा, तो US प्रेसिडेंट के इसी बयान पर अब चाइना के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है जिसमें यह कहा गया कि चाइनीज आर्मी युद्ध के आदेश का इंतजार करने के लिए पूरी तरह तैयार है और बाहरी ताकतों और ताइवान स्वतंत्रता बलों के अलगाव के प्रयासों के हस्तक्षेप को पूरी तरह से विफल करने के लिए भी सभी आवश्यक उपाय करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस तरह के बयान करीब 70 सालों से दे रही है। खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अमित त्रिपाठी वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही धर्मराम ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कौन सा था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।